इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुगेली। प्रदेश सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते जनता कांग्रेस जोगी द्वारा पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करते विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुगेली जिला में भी जनता कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की गई। आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस के जवानों द्वारा बैरिकेड लगाकर कलेक्ट्रेट परिसर जाने से रोक दिया गया, जिससे आक्रोशित कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। साथ ही यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा। एक तो पेट्रोल डीजल की महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार उसको कम करने के लिए भी अपने टैक्स में भी कमी नहीं कर रही है। फसल बीमा योजना का भी लाभ किसानों को नहीं मिल पाया है। राशन की व्यवस्था में भी बहुत गड़बड़ियाँ हैं और अधिकारी लोग मिलके वन अधिकार पट्टा का वितरण भी अभी तक गरीब आदिवासियों को नहीं किया गया है, उसके लिए भी हम लोगों ने मांग की है। और बिजली की कटौती बहुत बिना कारण बताए की जा रही है। अभी हमारे कार्यक्रम में भी 3 घंटे से बिजली नहीं थी। जिला मुख्यालय में जब ये हाल है तो ग्रामीण अंचल का कितना बुरा हाल होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है, लोगों को खाद और बीज नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर के इस सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमने ये आज मुंगेली कलेक्ट्रेट का घेराव किया है।